विज्ञान की इतनी तरक्की के बाद भी आज भी नेचर के कई रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में हम आज कुछ नहीं जानते। उन्हीं में से एक है बॉल लाइटनिंग। ये पूरी तरह रहस्यमयी चीज़ है जिसके बारे में हम आज तक ना के बराबर ही जान पाए हैं। वैसे तो बॉल लाइटनिंग के किस्से कई सौ साल पहले से ही सुनने में आते रहे हैं, पर इनके पुख्ता सबूत यानी कि वीडियोस और फोटोज अभी हाल ही में मिले हैं। ये रोशनी के गोले होते हैं जो कि बहुत गर्म होते हैं और अचानक से कहीं पे भी प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी होटल्स में या घरों में, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों में भी ये अचानक से सामने आए हैं। एक औरत जो कि अपने किचन में काम कर रही थी, उसके सामने ही अचानक एक लाइट की बॉल प्रकट हो गई और उसने जब उसको छूने की कोशिश की तो उनका हाथ बहुत बुरी तरीके से जल गया। फिर ये रोशनी का गोला अचानक ही उनकी किचन की दीवार को छेद करते हुए आर पार निकल गया। बाद में जब उस औरत ने अपना हाथ देखा जहां पर उस बॉल ने उनके हाथ को छुआ था, तो उन्हें पता चला कि वहां पर बहुत बुरी तरह से सेकेंड डिग्री बर्न हो गया था, यानी हाथ का वो हिस्सा बुरी तरह जल गया था। ऐसे ही हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता एक हवाई जहाज जिसके बीच में एकाएक बॉल प्रकट हुई। ये रोशनी की गेंद कुछ देर वही रही और फिर कॉकपिट और फिर फ्यूजलाज यानी यात्रियों के बीच से होते हुए हवाई जहाज से बाहर निकल गई। हालांकि इस बार हवाई जहाज की दीवार में कोई छेद नहीं हुआ, नहीं तो उन यात्रियों की जान पर बनाती। ये भी किस्मत की बात थी कि हम बॉल लाइटनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए। वास्तव में स्टॉर्म चेजर्स यानी बड़े बड़े चक्रवातों का पीछा करने वालों की एक टीम जब एक चक्रवात का पीछा कर रही थी तो उनके सामने एकाएक एक बॉल लाइटनिंग प्रकट हुई और उन्होंने सही इक्विपमेंट पास होने की वजह से तुरंत उसकी रीडिंग ले ली। जब उन्होंने इन रीडिंग्स को विश्लेषित किया यानी उनका विश्लेषण किया तो उनको पता चला कि ये लाइटनिंग की बॉल वास्तव में सिलिकन, कैल्शियम, फेरस और नाइट्रोजन यानी लोहे और कैल्शियम से मिलकर बनी थी। तो आखिर इन बॉल्स में ऐसा क्या है कि सिलिकन, कैल्शियम, लोहे और नाइट्रोजन से मिलकर रोशनी के ऐसे गोले कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और फिर वो अचानक ही किसी भी दिशा में उड़ते हुए निकल जाते हैं। आखिर क्या है जो इनको कंट्रोल करता है और ये क्यों बनते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। बॉल लाइटनिंग के बनने और देखे जाने की घटनाएँ ज़मीन और हवा दोनों जगह हुई हैं। तो दोस्तों, ऐसी और अजीबोगरीब और रोचक जानकारियां पाते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू।